होता है कि महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, उसी समय देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में आते हैं। भगवान की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने उनका अभिनंदन किया, पूजन किया, और अभिनंदन पूजन करने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा। नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा, परिपप्रच्छ। परिपप्रच्छ का मतलब है, परि उपसर्ग का यहां पर यही अर्थ है कि पहले महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का अभिनंदन किया, पूजन किया, और तब विनम्रता पूर्वक उन्होंने नारद जी से पूछा। अर्थात किसी से हम कुछ पूछना चाहें, सुनना चाहें, तो उसकी विधि क्या है? बोले, पहले उनको प्रणाम करो, उनका अभिवादन करो, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो। इसके बाद विनम्रता पूर्वक जब आप जिज्ञासा करोगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब व्यक्ति प्रणिपात करके, प्रणाम करके, सेवा करके प्रश्न करता है तभी उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आजकल तो लोग फोन ही से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कितने लोगों का फोन आता है, नंबर तो सबको मिल ही जाता है आज के जमाने में। किसी का भी नंबर आप ढूंढना चाहो कोई असंभव बात नहीं, वो व्यक्ति न मिले लेकिन नंबर तो उसका जरूर मिल जाएगा। कितना भी दुर्लभ व्यक्ति क्यों ना हो लेकिन उसका नंबर मिल सकता है, वो भले ना मिले फोन नंबर मिल जाता। तो लोग फोन करते, महाराज एक जिज्ञासा थी, कथा सुनेंगे कहीं और, क्या क्या सुनेंगे, और उनके मन में जो शंका हो फोन से उनका समाधान करो। तो मैं कह देता हूं, भैया फोन से हम कथा नहीं सुना पाएंगे, ऐसे ही कथा सुनो। बहुत जिज्ञासा हो तो सब कागज पे नोट कर लो, मौका निकाल करके आओ बैठो और एक एक प्रश्न का उत्तर सुन लो। अब ये कहो कि रात को 12 बजे, 2 बजे, दिन में 4 बजे, 5 बजे, जब मन करे तब आप फोन लगाओ और कोई जिज्ञासा करो, भाई तो इतनी फुर्सत तो नहीं, और ये तरीका भी नहीं। तरीका क्या है? कहते हैं, सदबुद्धि साधु सेवी समुचित चरितस्तत्व बोधाभिलाषी। श्री आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अंदर क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तब उसे ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं सदबुद्धि, पहले तो सदबुद्धि पैदा करो, साधु सेवी संत जनों की सेवा करो। सदबुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः, तुम्हारा चरित्र निर्मल हो जाए। तत्वबोधाभिलाषी, तत्वबोध की अभिलाषा। शुश्रूषस् त्यक्तमानः, सेवा परायण बनो। त्यक्तमानः, अभिमान छोड़ो। प्रणिपतन परः, साष्टांग प्रणाम करो। प्रश्नकाल प्रतीक्षा, अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर धैर्य हो कि जब महाराज खाली होंगे, जब उनको फुर्सत होगी, अनुकूलता होगी तो बताएं। प्रश्नकाल प्रतीक्षा, शांतो दांतो नसूयुः, तुम्हारे जीवन में शांति हो, दांती हो, असूया रहित हो जाओ। ये सारे सद्गुण जब आते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज नारद जी ने देखा महर्षि वाल्मीकि को, इनकी विनम्रता को देखा। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा नारद जी से, भगवान मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। पूज्य महाराज श्री ने माननीय श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा ना
कि यहीं से रामायण प्रारंभ होती है कि मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है। और वास्तव में यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से किया। नारद जी से पूछा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वो राम जी हैं कि वो कोई और हैं, ये महर्षि वाल्मीकि ने नहीं कहा। वाल्मीकि जी ने तो कहा, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न हो और इस समय, और जिसको सभी लोकों में लोग जानते हो, सर्वलोक में जिसे जाना जाता हो। रामो नाम जनई श्रुतः, सारे जन जिनको जानते। इस प्रकार का जब प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने किया नारद जी से, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म कौन है? राम जी। राम जी परब्रह्म है, और ब्रह्म को जानने की जो इच्छा हो इसी का नाम ब्रह्म जिज्ञासा है, और ब्रह्म जिज्ञासा ही वेदांत का विषय। वेदांत में सबसे पहले ब्रह्म की जिज्ञासा ही होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का प्रथम सूत्र है। और इसी जिज्ञासा पर एक सूत्र के ऊपर विद्वानों ने बहुत कुछ लिख डाला, इसका नाम ही है जिज्ञासाधिकरण। और हमारे तो रामानुज संप्रदाय में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने एक सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का व्याख्यान करने में ही संपूर्ण वेद वेदांत भर दिया। जिज्ञासाधिकरण इतना विस्तृत हो गया। तो जैसे वेदांत में पहले ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न हो। और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु को हिता। सर्वभूत हितैषी कौन है, चरित्रवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है। कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। चंद्रमा के समान जो प्रिय दर्शन है, अग्नि के समान जो जाज्वल्यमान है, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। 16 गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी विचार करने लगे, ये सारे गुण तो भगवान को छोड़कर और किसी में नहीं हो सकते। ये तो ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं, ये तो ब्रह्म को जानना चाहते हैं। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने, वो महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी से कहा, मुनिवर आपने जिन जिन गुणों की चर्चा की है, ये सारे गुण किसी मानव में तो संभव ही नहीं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन दुर्लभ गुणों का तुमने वर्णन किया है ये मनुष्य में तो संभव ही नहीं। हां, अगर जानना चाहते हो इन सारे गुणों से संपन्न अगर कोई है तो वो भगवान श्री राम है, प्रभु श्री राम है, जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न है और संप्रति अयोध्या के राजा है। जिस समय महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ये प्रश्न किया, उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय राम जी का राज्यकाल चल रहा था। ये रामायण राम जी के अवतार के पहले नहीं लिखी गई और राम जी के अवतार के बाद नहीं लिखी गई।
बाकी जितनी रामायण है, बाकी रामायण सब राम जी की लीला पूर्ण होने के बाद लिखी गई। हाँ, कुछ लोग कहते हैं आदि रामायण जो है राम जी के पहले ही लिखी गई, बोले ठीक है, वो भी बात ठीक, दोनों बातें हम स्वीकार करते हैं। कोई रामायण राम जी के अवतार के पहले लिखी गई, कोई बाद में लिखी गई, लेकिन राम जी जब लीला कर रहे थे उस समय अगर कोई रामायण लिखी गई तो वाल्मीकि रामायण की रचना। उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। महर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने कहा कि अयोध्या के राजा रघुनंदन श्री राम इन सारे गुणों से संपन्न हैं। और फिर नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को राम जी का संपूर्ण चरित्र सुनाया। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो श्री राम है वही सर्वगुण संपन्न है। और फिर राम जी का वर्णन करते हुए नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। इस प्रकार भगवान के 68 गुण का वर्णन देवर्षि नारद ने सुनाया और महर्षि वाल्मीकि ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने 16 गुण की चर्चा की। 16 और 68 कितने हो गए? 84, इतना ही तो हुआ। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि ये जिन गुणों की चर्चा से रामायण की भूमिका तैयार हुई, ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन ये 84 गुण, ये 84 गुण ही त्रिगुणात्मिका माया से 84 लाख योनियों के प्राणियों को मुक्ति दिलाने वाले। ये भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये समझो कि भगवान को, ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार कोई भले कह ले, और जब तक हम ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहेंगे तब तक हम चुप रहेंगे, बोल नहीं सकते। क्यों? बोले जहां बोलोगे तो शब्द के द्वारा उसका व्याख्यान शुरू होगा, और शब्द के द्वारा किसी निर्गुण वस्तु की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि शब्द सब विशेष वस्तु का ही प्रतिपादन करते हैं। ये शाब्दिक सिद्धांत है, शब्द कभी निर्विशेष वस्तु का प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। शब्द के द्वारा जब कभी भी किसी वस्तु का प्रतिपादन होगा तो सब विशेष वस्तु का। इसीलिए ब्रह्म का ज्यों ही शब्द के द्वारा प्रतिपादन शुरू हुआ उसके सारे गुणों का वर्णन है। और ये कथा क्या है? बोले कथा भगवान के गुणों का प्रकाश है। भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है। कथा केवल ये नहीं है कि एक राजा थे, एक रानी थी, उनके संतान हुए और फिर उन्होंने ये किया वो किया और ये काम किए और फिर लीला पूरी हो, ये तो कहानी। कथा और कहानी में अंतर है। कहानी तो बहुत लोगों की होती है, सबकी अपनी अपनी कहानी। लोग कहते हैं हमारी राम कहानी सुन लो, कोई किसी से मिलता है तो वो अपनी राम कहानी सुनाता है और वो अपनी राम कहानी सुनाता है। कहानी तो दुनिया में बहुत है, लेकिन कथा, कथा तो भगवान की। कथा क्या है? बोले भगवान के गुणों का जो प्रकाश है उसी का नाम कथा। भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा। कथा कोई मनोरंजन नहीं, कथा कोई टाइम पास नहीं, कथा कोई व्याख्यान या कोई यश कीर्ति की प्राप्ति का साधन नहीं, अपितु कथा भगवान के गुणों का प्रकाश। कथा के माध्यम से भगवान के गुणों का प्रकाश होता है। और जब भगवान के गुण को हम सुनते हैं तो हम माया के गुण से
विरत होते। ये माया भी त्रिगुणात्मिका है, सत रज तम, तीन प्रकार के गुणों से युक्त ये माया है। गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदाह निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। माया त्रिगुणात्मिका है, माया के गुण का चिंतन करोगे तो माया के गुण का चिंतन का परिणाम क्या है, बोले माया का बंधन। अपने गुण का चिंतन, बोले अपने गुणों का चिंतन करोगे तो अहंकार की उत्पत्ति। हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े धनवान हैं। अपने गुणों का चिंतन अहंकार की वृद्धि करता है, माया के गुण का चिंतन बंधन में डालता है, और भगवान के गुण का चिंतन अहंकार से मुक्त करके जीव को माया बंधन से भी मुक्त कर देता है। ये भगवान की कथा मुक्ति प्रदायिनी है। माया के बंधन से, अहंकार के बंधन से मुक्त करके जीव को भगवत चरणारविंद में पहुंचा देती है ये कथा। इसलिए कथा तो भगवान के गुण का दिव्य प्रकाश है। नारद जी ने भगवान के गुण का वर्णन किया कि भगवान के अनेक दिव्य गुण हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। नारद जी कहते हैं हे वाल्मीकि, जो राम जी अयोध्या के राजा हैं ना, उनकी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन एक दो जो विशेष है उसको कहते हैं रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। राम जी अपने धर्म की भी रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। अपने धर्म की रक्षा राम जी करते हैं, इसका मतलब उन्हें राम जी अपने धर्म का पालन करते हैं। उनका जो धर्म है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का वो पालन करते हैं। ये रक्षिता स्वस्य धर्मस्य और स्वजनस्य च रक्षिता। अपने स्वजनों के धर्म का भी पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। स्वजनों का धर्म क्या है, बोले हम आप अपने जीवन में जिस धर्म का पालन करते हैं, वह धर्म का पालन भी भगवान की कृपा से ही हो पाता है, ये अनुभव करना है। स्वजनस्य च रक्षिता। अगर आप अपने नियम का पालन कर लेते हैं, अपने धर्म का आप पालन कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक, तो जीवन में कभी ये अभिमान मत ले आना कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। ये पालन करने की कृपा शक्ति भी भगवान से ही तुम्हें प्राप्त हो। स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करने वाले भगवान। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कामदेव ने अपना अकांड तांडव किया, भय काम बस जोगी सतापस पामर निको को कहे। कामदेव ने सारे ब्रह्मांड को विचलित कर दिया, बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा भी विचलित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते भय काम बस जोगी सतापस पामर निको भरे ब्रह्मांड भीतर।
भय काम बस जोगी से तापस। बड़े बड़े जोगी मुनि तपस्वी काम के परवश हो, जबकि जोगी मुनि को तपस्वी को अपने व्रत में दृढ़ होना चाहिए, तो काम ने उनको पराजित कैसे कर दिया? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है कि जिनको अपनी तपस्या और अपनी साधना और अपने नियम के पालन में अपना अभिमान था कि हम तो अपने नियम का पालन करते हैं, हम बड़े तपस्वी, जिनको राम जी का भरोसा नहीं था वो विचलित हुए, जिनको ये लग रहा था कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो विचलित हो गए, और जिनको ये भरोसा था कि हमने जो व्रत लिया है, हमने जो नियम लिया है, ये राम जी की कृपा से मेरा व्रत चल रहा है, मेरे नियम का पालन हो पा रहा है, वो बच गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मा, इनको राम जी ने रखा वो बच गया। क्यों? बोले राम जी अपने स्वजनों के भी धर्म का रक्षण करते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को भगवान के गुणों का वर्णन सुनाया, और फिर भगवान के अवतार से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत लीला का वर्णन संक्षेप में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को सुनाया। इसी प्रसंग में नारद जी ने कहा, भगवान का तो वर्णन किया ही, जब विवाह का प्रसंग आया तो नारद जी जानकी जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री रघुनंदन का विवाह जनकपुर में जानकी जी के साथ हुआ, और जानकी जी कौन है? तो नारद जी कहते हैं सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधूः। जैसे राम जी सर्वगुण संपन्न है, वैसे जानकी जी भी सर्वगुण संपन्ना है, सर्वलक्षण संपन्ना, नारीणाम उत्तमा। जैसे राम जी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है, उसी तरह जानकी जी नारी में उत्तम, नारीणाम उत्तमा बधू। और फिर संपूर्ण रामचरित्र का देवर्षि नारद ने वर्णन किया, अंत में राम जी के राज्याभिषेक का वर्णन किया। और राम जी का राज्य चल रहा था उस समय, जिस समय की घटना ये है, नारद जी वाल्मीकि जी को बता रहे हैं तमसा के तट पर, राम राज्य का संक्षिप्त वर्णन नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया। कहते हैं नारद जी कि राम जी का राज्य इस समय अयोध्या में चल रहा है, संपूर्ण पृथ्वी के वो छत्रपति सम्राट हैं, और उनके राज्य की विशेषता क्या है, राम राज्य की विशेषता क्या है? कहते हैं न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषा क्वचित। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी भी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ, किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं हुआ राम जी के राज्य में। यह पहली विशेषता, क्योंकि पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? बोले उसकी आंख के सामने उसका बेटा मर जाए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं हुआ। दूसरी विशेषता नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं, क्यों? बोले स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है पति का वियोग। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ। ये बात अलग है कि राम जी के राजा बनने के पहले ये हुआ, तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हुई, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, दशरथ जी का जीवन पूर्ण हो गया,
लेकिन राम जी जब अयोध्या के सिंहासन पर राजा बन करके बैठे उसके बाद ये दुख किसी को नहीं। कहते हैं नचाग निजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी के घर में आग नहीं लगी। ये तीसरी विशेषता। आज किसी के घर में आग लग जाए तो बुझाने के लिए दमकल की व्यवस्था सरकार करती, प्रशासन करता, फोन करो दमकल आएगा, पानी की व्यवस्था होगी, बुझाया जाएगा, उसका उपाय किया जाता। लेकिन राम जी के राज्य में फायर ब्रिगेड की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। क्यों? बोले कभी आग लगी नहीं किसी को। नचाग निजम भयम किंचन, ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। और वाल्मीकि की वाणी में विशेषता क्या है? कहते वाल्मीकि जी महाराज जो वर्णन करते हैं यथावत करते हैं, न कुछ घटाते हैं न कुछ बढ़ाते हैं। आगे प्रसंग आएगा। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने भी आकर के आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी के चरित्र का जब तुम लेखन करोगे तो संपूर्ण रामचरित्र तुम्हारे मस्तिष्क में प्रकट हो जाएगा, तुम देखोगे। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा और जैसा देखा वैसा लिखा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। रामायण के जितने पात्र हैं, जो जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसी उनकी गतिविधि है, एक्टिविटी है। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत् सर्वम, वो सब कुछ धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति। सब कुछ देखा महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से और तब लिखा। इसलिए वाल्मीकि जी की वाणी में तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि कोई कह दे कि यह साहित्यिक वर्णन है, अतिशयोक्ति है, अलंकारिक वर्णन है। बोले कुछ नहीं, सब कुछ यथार्थ है, सब अविधार्थ है, लक्षणा व्यंजना की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं नचाग निजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कोई पानी में डूब करके नहीं मरा, न किसी के घर में आग लगी, न बातजम भयम, राम जी के राज्य में कभी कोई आंधी तूफान नहीं आया 11,000 वर्ष तक। न तस्कर भयम तथा, राम जी के राज्य में कभी किसी को चोर का भय नहीं हुआ कि चोरी कर लेगा कोई, डाका डाल देगा। बोले ना, राम जी के राज्य में चोर होते ही नहीं। यही तो राम राज्य की विशेषता है। बहुत अच्छी हम प्रशासन व्यवस्था कर दें, सारे चोरों को पकड़ लें, बोले ठीक है, अच्छी बात है, चोरों को पकड़ा जाए, बदमाशों को पकड़ा जाए। लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि चोर बने ही ना कोई, चोर पैदा ही ना हो। बोले ये विशेषता तो राम जी के राज्य की थी, इसीलिए आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते। आज हम कहते हैं कि राम राज्य हो जाए, क्यों? बोले राम राज्य की यही सब विशेषताएं थी। और राम जी के राज्य की ये विशेषता क्यों थी? क्योंकि राम जी अपने प्रजा को शस्त्र के बल पर शासित नहीं करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कथा आप सब लोग जानते हैं। शासन दो प्रकार से होता है, एक शस्त्र के द्वारा और एक शास्त्र के द्वारा। शस्त्र के द्वारा जो शासन है वो राजा का शासन होता है। राजा अपने शस्त्र के बल पर प्रजा को नियंत्रित करता है। राजा के पास शस्त्र है, कानून है, सिपाही है, दंड व्यवस्था है, उसके भय से प्रजा गलत कार्य नहीं करती है, अनियंत्रित नहीं होती, अराजकता नहीं उत्पन्न होती है प्रजा में, और प्रजा को राजा शासित करता है। और दूसरा शासन, बोले दूसरा शासन शास्त्र का शासन होता है। शास्त्र का शासन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रवृत्त होता है, व्यास पीठ पर बैठकर
शास्त्र का उपदेश दे करके प्रजा को नियंत्रित करना, प्रजा को, समाज को दुराचरण से बचाकर सत्कर्म में प्रवृत्त करना, ये शासन व्यवस्था व्यासपीठ की। सिंहासन पर बैठ करके जो राजा शासन करता है उसको राजा कहते हैं, जो शस्त्र के द्वारा शासन करे, और जो शास्त्र के द्वारा शासन करे उसको महाराजा कहते हैं। इसलिए संत को महाराज कहते हैं। और राम जी बोले, राम जी के राज्य की यही विशेषता थी, राम जी शस्त्र के द्वारा भी शासन करते हैं और शास्त्र के द्वारा भी। शस्त्र का शासन और शास्त्र का शासन जब दोनों मिलकर और सामंजस्य स्थापित करके प्रजा का नियंत्रण करते हैं तभी उत्तम शासन होता है। क्यों? बोले केवल शास्त्र से समझाने चलोगे तो दुष्ट नहीं समझेंगे, उनके लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। और केवल शस्त्र ही उठा करके आप शासन करते रहोगे तब भी काम नहीं चलेगा। इसलिए शस्त्र शास्त्र दोनों का समन्वय, सामंजस्य, यह उत्तम शासन व्यवस्था है। और राम जी ने यही किया। राम जी शस्त्र के द्वारा तो शासन करते हैं लेकिन शास्त्र भी उनके जीवन में। राम जी स्वयं अपने प्रजा को शास्त्र का उपदेश करते हैं। 11,000 वर्ष तक राम जी ने किया क्या? केवल राम जी अपने महल में बैठकर दरबार लगा करके लोगों की जय जयकार थोड़ी सुनते थे। राम जी अपनी संपूर्ण प्रजा को बैठा करके रोज प्रवचन करते थे, राम जी व्याख्यान देते थे। वैदेही सहितम सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामल। भरत शत्रुघ्न हनुमान अंगदादि ये सब परिजन परिचारिका सभा में उपस्थित रहते और सभी लोग जिज्ञासा करते और सबकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान रघुनंदन शास्त्र का व्याख्यान करते और अपने उपदेश से व्याख्यान के द्वारा प्रजा को धर्म में लगाए। और केवल व्याख्यान ही नहीं देते, स्वयं उसका आचरण करते। उपदेशक केवल उपदेश दे और आचरण न करे तो उसका उपदेश हृदय में नहीं उतरता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत होते लेकिन स्वयं जो आचरण करे। तो राम जी स्वयं आचरण करते हैं और उपदेश देते हैं। और क्या उपदेश देते थे? राम जी अपनी प्रजा को यही उपदेश करते थे कि तुम लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करो, बस। हर प्राणियों को भगवान ने अपने स्वधर्म में लगाया। राम जी ने स्त्री को उपदेश करते राम जी कि तुम स्त्री हो तो स्त्री का जो धर्म है शास्त्रों में उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करो। पुरुष है, पुरुष के लिए शास्त्र में जो विहित विधि है उसका पालन। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए शास्त्र में जो विधान है तुम तदनुकूल जीवन यापन करो। क्षत्रिय हो, बोले क्षत्रिय के लिए शास्त्र में जो धर्म है तुम उसका पालन। बस यही राम जी ने किया। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति बोल रही। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को राम जी ने उनके उनके धर्म में लगाया। जिसका जो धर्म था लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। राजवंशान सतगुणान स्थापयिष्यति राघव। और सुंदर पवित्र राजवंश की राम जी ने स्थापना की। इस प्रकार 11,000 वर्ष तक भगवान प्रजा का पालन करते रहे। 100 श्लोकों में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को संपूर्ण रामचरित्र सुना दिया। ये 100 श्लोक में जो राम जी का चरित्र है ना, इसको मूल रामायण कहते हैं।
इसी को सुन करके वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया। मूल रामायण 100 श्लोक में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया और ये 100 श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग है। इसकी महिमा है, क्या महिमा है? तो नारद जी कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम, ये मूल रामायण 100 श्लोक परम पवित्र है। पापघ्नम सारे पापों का नाश करने वाला, पुण्यम वेदैश्च सम्मतम और ये पुण्यप्रद है, वेदैश्च सम्मितम ये वेदों के समान है। वेद के समान है मतलब वेद ही रामायण के रूप में, वेदैश्च सम्मितम। और कहते हैं यह पठेत रामचरितम, इस रामचरित्र को, इस राम कथा को जो पढ़ता है, यह पठेत रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग जो 100 श्लोक है मूल रामायण, इसका व्यक्ति अगर नित्य पाठ करे तो पाप उसका कभी स्पर्श नहीं कर सकता। अद्भुत है हमारा, इसकी बड़ी महिमा है। एतदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नर, इस आख्यान को जो नर पढ़ता है, सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते, वह व्यक्ति अपने पुत्र पौत्र के सहित पवित्र होकर उत्तम लोक का अधिकारी होता है। अंत में कहते हैं कि पठन विजो बाग वृषभत्वमीयात, अगर इन 100 श्लोकों को नित्य कोई ब्राह्मण पढ़े तो कहते हैं पठन विजो बाग वृषभत्वमीयात, वो ब्राह्मण बाग वृषभ हो जाता, उसकी वाणी शुद्ध हो जाती, वो विद्वान बन जाता है। एक शब्द में कहा जाए उसे विद्या प्राप्त होती है, क्योंकि विद्या ही उसका धन है, विद्या धन ही ब्राह्मण का धन है। और क्षत्रिय के लिए तो कहते हैं स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय अगर नियम से इन 100 श्लोकों का नित्य पारायण करे तो उसे राज्य और वैभव प्राप्त होता है। वैश्य के लिए कहा वणिक जन पण्य फलत्वमीयात्, वणिक जन इसका पारायण करें तो उनका व्यापार कारोबार विस्तार को प्राप्त करता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, और चतुर्थ वर्ण के लोग इसका पाठ करें तो उन्हें यश कीर्ति सम्मान संपत्ति प्राप्त हो। चारों वर्ण के लोग रामायण का पाठ करके, रामायण को पढ़कर सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। 100 श्लोकों में नारद जी ने रामायण सुना दी और नारद जी चले गए महर्षि वाल्मीकि को।